सर्द का मौसम है, लोग जो है जाड़े से कांपते नजर आते, पर सरकार जो है कहीं कहीं भी सहायता करती हुई नजर नहीं आ रही है। चाहे वो ग्रामीण इलाके है या शहर हो, शहर के चारों कोना अगर आप जाइएगा तो सड़क के किनारे लगभग ऐसे गरीब लोग वहाँ मौजूद होते हैं जो कि सर्द से कांपते हुए नजर आते हैं। वहीं हम आज पहुंचे हैं फुटकल टोली में, जहाँ पे आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि कंबल वितरण के साथ साथ जो है यहाँ पे स्वेटर वितरण भी किया जा रहा है, और साथ में कई गरीब लोगों के बीच कहा जाए या फिर बुजुर्ग लोगों के बीच कहा जाए यहाँ पे कंबल वितरण और स्वेटर वितरण का जो है काम किया जा रहा है। यहाँ पे काफी तादाद में जो महिलाएं बोले जाए महिलाएं और पुरुष यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे और लोग भी जो है हम उनसे बात करने का काम करेंगे और उनसे जानेंगे, जबकि उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो सरकार थी ना तो कभी आई और ना ही पूछी है। हालांकि यहाँ की व्यवस्था आपको देख के समझ आ ही रही होगी कि लोगों के बीच इतनी इंसानियत तो बची हुई दिख रही है कि वो अगले लोगों की जो है मदद करते हुए नजर आते हैं। हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि और लोग भी जो है बुजुर्ग महिला का है या फिर ग्रामीण इलाके के लोगों को किस तरह से यहाँ पे कंबल वितरण जो है किया जा रहा है, और लोगों पे जो है काफी खुशियां झलक रही है। अगर उनके पास सरकार नहीं है तो क्या हो गया, लोग जो है लोगों के दिल पे इतनी खुशियां है इनको लेकर के कि कोई तो है जो उनके बारे में ऐसा सोच। ये बात है आज शहीद शेख भिखारी और शहादत दिवस पर जो हमारे गार्जियन स्वरूप इस क्षेत्र के कमल साहब बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं, और देखिए ये शहादत दिवस को इतने भावी तरीके से इतने अच्छे तरीके से मनाने के बाद एक मैसेज भी देते हैं। शहादत दिवस तो सभी मनाते हैं, सभी जगह पर फूल मालाएं होती है, लेकिन इनका एक मैसेज ये भी जाता है। आप कैमरे के माध्यम से अंदर में नज़र दौड़ाएंगे तो वहाँ देखिएगा कि कंबल के साथ कुछ गरीब के लिए जैकेट है, कुछ स्वेटर है, कुछ टोपी है। तो हमेशा हर साल इनका एक मैसेज जाता है कि शहादत दिवस को हम लोग ऐसे मैसेज दें कि गरीब जो आज ठंड के कारण परेशान है, जो जैकेट नहीं खरीद सकते हैं, स्वेटर नहीं खरीद सकते हैं, कंबल नहीं खरीद सकते हैं, तो उनको आज ये जलसे के माध्यम से इस शहादत दिवस के रूप में हमारे गार्जियन कंबल भट्ट साहब उनको आज ये वितरण करेंगे। और हम लोग भी चाहेंगे समाज को कि जहाँ भी जो हो इस तरह की शहादत दिवस हो या जहाँ भी गरीबों का मदद की ज़रूरत हो तो इस ये ऐसा मदद करें। और जो हमारे शेख भिखारी और उमराव जी जो शहादत के रूप में हम लोग को ये जो शहादत दिवस के रूप में हम लोग को ये दे के गए हैं, उनको हम लोग भावी तरीके से निभाएं। और आज जो देश को तोड़ने वाला हिंदू मुस्लिम की बात हुई है तो ये बात को हम लोग मैसेज दें कि हमारे जो दो शहीद वीर थे शेख भिखारी और उमराव साहब, उन्होंने क्या ये लड़ाई लड़ते समय कभी सोचा था कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है? तो हम लोग भी इस मैसेज को शहादत दिवस के रूप में दे कि हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। और बस ये है कि आज वर्षों से हर एक साल की भांति इन साल भी हम लोग अमर शहीद सिंह भिखारी शहादत दिवस और टिकट उमराव सिंह के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ गंगा दमना तहजीब को देखते हुए हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जलसा का करते हैं। और ये जलसा का प्रोग्राम इसलिए करते हैं कि इस इलाके में बहुत ही गरीब लोग हैं, तो जलसा का प्रोग्राम का एक बहाना है उस बीच में गरीब लोग को खास करके हम लोग कंबल का भी वितरण करते हैं। देखिए हर वर्षों के भांति इस बार भी शहादत दिवस पे कंबल ही नहीं बल्कि जैकेट भी, उसके अलावा खाद्य सामग्री भी, और समझिए कि ये हर वर्ष है ना शहादत दिवस के अवसर पे होता है। और हम यहाँ पे एक शायरी भी बोलना चाहेंगे, शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों की बाकी यही निशा होगी। आज के ये प्रोग्राम 9 जनवरी हमारे भारत के वीर शहीद शहीद भिखारी आज उनका दिवस मनाया जाता है। हमारे सदर मोहतरम जनाब कमल भट्ट साहब अपनी निगरानी में ये प्रोग्राम करते हैं, और शहीद शहीद भिखारी और टिकैत उमराव की दिवस मनाते हैं। और
इसी में शहदा की याद में इन्हीं दो शहीदों के नाम में ये कई सालों से, ये आज पहला नहीं बल्कि कई सालों से लगातार ये ठंडक का मौसम भी है, तो उन्हीं शहीदों के नाम पर गरीबों फकीरों इस इलाके के जितने भी बेसहारा मजबूर लोग हैं उन लोगों को ये कंबल भी दे करके उनका एक सहायता का काम करते हैं। ये दिखावा और कोई अपना किसी सरकारी फंड से या नेताओं से कोई वसूल करना मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ ये है कि शहीदों की शहादत और उनकी कुर्बानियां लोग समझें कि उनकी कुर्बानियां क्या है, और गरीबों फकीरों को उनके नाम के तवसुल से कुछ मदद की जाए और उनके लिए इस ठंडी के मौसम में एक सहारा बनने का ये काम। हमें विजुअल के माध्यम से दिखाया कि किस तरह से गंगा जमनी की तहजीब सिखाते हुए यहाँ के लोगों को जो है मदद की जा रही है, कंबल वितरण किया जा रहा है और यहाँ पे जो है लोगों को लेकर के खाना का भी इंतजाम पूरी तरह से किया गया है। जीएन भारत से नेहा खान की रिपोर्ट। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।